आई होप बेटा आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी बेटा। आप सबका टुडे अकेडमी पर स्वागत है। आज बेटा हम सब एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 मैथ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। इन फिगर 5.10 इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। बेटा हमारा ये फिगर है, इसमें हमें गिवेन है बेटा, गिवेन दैट क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी जो है बेटा बी डी के इक्वल है। तो आइए बेटा हमें टू प्रूफ क्या करना है ये भी देखते हैं। बेटा हमें टू प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है बेटे, तो हमने लिख लिया हमको ये चीज प्रूफ करनी है। तो आइए बेटा प्रूफ करते हैं। ठीक है बेटा, सी तो ए सी और बी डी हमें गिवेन है बेटा, लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी डी हमें दिया गया है। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा कि ए सी जो है ए सी के बीच की पॉइंट बी है बेटा, ए सी और ए और सी के बीच का पॉइंट बी है बेटा। तो हम लिख सकते हैं ए सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू इस सिमिलरली बेटा बी डी, बी डी के बीच का पॉइंट क्या है बेटा, सी है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। ठीक है बेटा, हम इसे लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि बिकॉज कौन साइड है, कौन साइड है, ठीक है, एक जैसे हैं। क्योंकि आइए बेटा देखते हैं, मैथ का एक रूल होता है, इफ बेटा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो बेटा, यदि हमारा ए और ए हो दोनों सेम हो, सेम साइन हो, तो बेटा आपस में कट जाते हैं। आइए देखते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड बी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड बी सी पॉजिटिव है बेटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी बी सी पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड भी बी बी सी पॉजिटिव है, इसलिए बेटा आपस में ये कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, आइए देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपका आ गया बेटा, हमें यही प्रूफ करना था, हो गया हेंस प्रूफ। ओके बेटा, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं बेटा। 7 क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन है बेटा, वॉय इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम। बेटा जो यूक्लिड्स की एक्सियोम की लिस्ट है उसमें एक्सियोम 5 बेटा कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रुथ, वो कहती है कि हम ऑलवेज ट्रुथ हैं। ठीक है बेटा, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट पोस्टुलेट्स, ये बेटा पोस्टुलेट्स का क्वेश्चन नहीं है बेटा। अगर आपको एक्सियोम और पोस्टुलेट्स के बारे में नहीं पता बेटा, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में चैप्टर 5 में देखिए, वहां इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है पोस्टुलेट्स और एक्सियोम का, तो आप उसे देखिएगा बेटा, बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, तो आइए बेटा सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एक्सियोम 5 कहती क्या है। एक्सियोम 5 है बेटा, हुल इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ठीक है बेटे, क्या करा कि हुल जो होता बेटा अपने के पार्ट से हमेशा क्या होता, बड़ा होता है। ये हमारी एक्सियोम 5 है। तो इसके बारे में पूछा गया कि क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो बेटा हम लिख सकते हैं, सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनी थिंग्स, दिस इज ट्रू फॉर एनी थिंग्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बेटे, ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है बेटे, आइए बेटे एग्जाम्पल दे के हम देखते हैं कि क्या है ये। बेटा अब मैंने मान लिया कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये देखिए बेटा ए बी हमारी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है बेटा, यदि बेटा इसमें से सी बी को हम क्या करें, कट कर दें, सी बी को इससे बाहर कर लिया जाए, तो क्या बेटा ए बी
और सीबी में हम क्या कह सकते हैं बेटा? बेटा क्या एबी से सीबी बड़ा हो गया? नहीं बेटा, तो ऑलवेज क्या होगा, सी एबी इज ग्रेटर देन सीबी। ठीक है बेटा, यही हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है और हमारी एग्जाम 5 कह रही है। आई होप बेटा आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम।